नमस्कार दोस्तों, 777 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर हमें कोई मेनू आइटम किसी यूज़र के लिए, किसी पर्टिकुलर रोल के लिए वो विजिबिलिटी ऑफ करनी हो, यानी कि हाइड करनी हो, तो वो कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर अभी मेरी डेमो या एग्जांपल साइट में दो मेनू है, यहाँ पे एक होम है, एक एसटीडी लिस्ट करके एक ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें डिसेबल करना है, मतलब किसी यूज़र या किसी रोल के लिए हाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, मेनू पर रोल, जो कि ये मॉड्यूल है, जो कि यहाँ पर एक सिंपल सी जो इमेज में जो यहाँ पर सेटिंग की गई, यही हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हमें इस मॉड्यूल को सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करके अपने लोकल मशीन में दे देंगे, ठीक है, डाल लेंगे, और जो कि हमारे पास मेनू एस पर रोल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इनेबल कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये भी कर सकते हैं, कोई अगर पर्टिकुलर मेनू हमें किसी यूज़र को ही लिए दिखाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा मेनू, मेनू के बाद जो हमें अपना जो मेन मेनू है हमारे पास उस पर करना पड़ेगा। उसके बाद जिसको हमें करना है, हमने एसटीडी जो लिस्ट थी हमारी इसको किया हमने, ठीक है। उसके पास ये आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इससे पहले आपको ये रिस्ट्रिक्ट आइटम विजिबिलिटी का जो मेनू का जो आइटम वो आपको नहीं दिखेगा, वो इस मॉड्यूल के थ्रू जो फंक्शनलिटी इनहेंस हुई है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शो मेनू आइटम ओनली द सेलेक्टेड टू यूज़र, आपको अगर केवल ये मेनू आइटम केवल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही दिखाना है तो आप ये सेलेक्ट कीजिए, या किसी पर्टिकुलर रोल के लिए दिखाना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर अनोनिमस ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और एडमिनिस्ट्रेटर और ट्यूटर है या स्टूडेंट है, तो इस अकॉर्डिंग टू इसके आप जिनको जिनको दिखाना है उनको उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें एक ट्यूटर के लिए ये मेनू हाइड कर देना है। मेरे पास इसका एक अकाउंट है, हम लोग टेस्ट करके भी देखेंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने, अभी देखते हैं होम पेज पर रिफ्रेश करके, देखिए दोनों आइटम आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दोनों आइटम आ रहे हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने एक दूसरे ब्राउज़र में, दूसरा लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं, इसको रिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। दोनों आइटम यहाँ दिख रहे हैं अनोनिमस के लिए, देखिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा ट्विटर का जो अकाउंट था उससे हम लोग लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। लॉगिन हो गया, देखिए यहाँ से मेनू हाइड भी हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से मेनू गायब हो गया, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम लोग कोई भी हमारे पास मेनू आइटम है उसको हम लोग को हाइड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको लॉग आउट कर देंगे तो फिर से वो अनोनिमस के लिए आ जाएगा, ठीक। लॉग इन करेंगे उसी रोल से, जो भी जितने भी ट्यूटर होंगे उन सब के लिए हाइड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम आप किसी भी यूज़र के लिए जो भी हमारे पास सेटिंग है, मतलब हम किसी आइटम को या मेनू को आइटम को दिखाना चाहते हैं किसी सेलेक्टेड यूज़र के लिए तो भी कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।